सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो टीचर फॉर यू और दबाए बेल आइकॉन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे क्यूआर कोड कैसे बनाते हैं। आपके पास जो भी इंटरनेट ब्राउजर होगा वो आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे मैं फायरफॉक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पे हमें एड्रेस बार में टाइप करना है goqr.me। ये मैंने पहले से खोल के रखा है दोस्तों। ये साइट पर आने के बाद हमें दिखेगा क्यूआर कोड जनरेटर। दोस्तों मैंने आपको बताया कि क्यूआर कोड में कई प्रकार की जानकारियाँ हो सकती है। यहाँ पे हम देखेंगे क्यूआर कोड में हमें वेब एड्रेस हो सकता है, कोई लिंक हो सकती है, कोई मैसेज हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, कोई एसएमएस हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, कोई लोकेशन हो सकता है, डेट हो सकती है, कोई मैसेज हो सकता है, एसएमएस हो सकता है और कोई पासवर्ड भी हो सकता है दोस्तों। तो आज हम देखेंगे लिंक के लिए या किसी यूआरएल के लिए क्यूआर कोड कैसे बनाएं। हमें यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी आपकी लिंक है दोस्तों वो यहाँ पे हमें पेस्ट करनी है या टाइप करनी है। मैं अपना चैनल का जो यूआरएल है वो यहाँ पे टाइप करूँगा। आप देखिए दोस्तों, इधर राइट साइड में ये जो क्यूआर कोड है, मैं जैसे जैसे इधर लिंक टाइप करते जाऊंगा इसमें चेंजेस आपको दिखते जाएंगे दोस्तों। ये मेरा चैनल का यूआरएल मैंने टाइप कर दिया है दोस्तों। अब मैं इसे यहां से डाउनलोड कर सकता हूं। डाउनलोड की जो विंडो है आपके सामने आ जाएंगी दोस्तों। यहां से आप उसका बैकग्राउंड जो कलर है वो चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं बैकग्राउंड का जो कलर है वो वाइट ही रखने वाला हूँ और इसका जो फोरग्राउंड कलर है दोस्तों यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने ब्लू कलर का एक क्यूआर कोड बनाया था और इसका साइज हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और हमें कौन से फॉर्मेट में ये क्यूआर कोड चाहिए, यानी पीएनजी फॉर्मेट या जेपीजी फॉर्मेट। आपको जो फॉर्मेट चाहिए वो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। मैं पीएनजी फॉर्मेट में ये चाहता हूँ इसलिए मैं पीएनजी पे क्लिक करूँगा। देखिए दोस्तों, अभी मैं इसे सेव करने वाला हूँ और यहाँ पे हमारा क्यूआर कोड डाउनलोड हो चुका है। देख लीजिए दोस्तों, मैंने अभी भी ये क्यूआर कोड आप बनाया है। इसी प्रकार हम क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।